ये लास्ट ईयर का पेपर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सॉरी इंग्लिश का। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आया हुआ है आपका देख लें, री राइट, देखिए सर पहले देखिए, री राइट, री राइट मैंने दोबारा लिखी है इस जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, राम ने अपने दोस्त से कहा, और यहाँ पे हम कहेंगे पूछा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है? तो राम ने अपने दोस्त से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको करेंगे कैसे, राम आप क्या करते थे, सेट टू को टोल्ड में बदलते थे, सेट टू को टोल्ड में बदलते थे, लेकिन यहाँ पे सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। आस्क्ड में इसलिए बदलेंगे, आस्क्ड माने होता है पूछना, टोल्ड माने होता है कहा, ठीक है। आस्क्ड माने पूछा, राम ने अपने दोस्त से पूछा, ये क्योंकि इसलिए आस्क्ड में बदला क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। जब भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, वरना टोल्ड में। उसके अलावा एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेशन जो है रिक्वेस्टेड और प्रपोज टू, ये सारी बातें क्वेश्चन पूरा पढ़ के समझ में आती है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, अब आस्क्ड के बाद टू नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर आस्क्ड लगता है, वो भी आस्क्ड में ईडी भी लगेगा, क्लियर है। आस्क्ड हिज फ्रेंड, आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद आप लोग को पता है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है, उनकी जगह पर दैट लगता था। लेकिन मुद्दा यह है कि जब मेन क्वेश्चन वर्ड लगाओ, व्हाट व्हेन वेयर विच हु हुम, इनसे जब क्वेश्चन शुरू होगा तो हम दैट नहीं लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, वेयर का वेयर ही लिख दिया, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। पहले नंबर पे वेयर लिखा, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो यू लिखा है, क्या यू ही लिख देंगे? क्वेश्चन में कहा गया है राम ने अपने दोस्त से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, अब हम कहेंगे राम ने अपने दोस्त से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, अब की इंग्लिश दैट होती वो नहीं लिखेंगे, वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे है लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब करते हैं तो पास्ट में चले जाते हैं, आर का वर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू का क्या करेंगे, वो तुम कहाँ जा रहे हो, अब इसमें हम कहेंगे वो कहाँ जा रहा है ना, यू का ही हो जाएगा, वेयर ही, और इज एम आर का हम कर देते हैं वॉज या वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। ये आपको याद रखना है, इज एम आर जब भी लिखा होगा उसका वॉज वर कर देंगे, अगर इधर सेट टू है, अगर सेज टू है या विल से है तो वही रहेगा, इज एम आर में से ही लगेगा, ठीक। तो वेयर ही वॉज गोइंग, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हो। तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या क्या समझा? सबसे पहली बात, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे आस्क्ड में बदलेंगे, जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आस्क्ड में बदलेंगे, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस फ्रेंड का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट नहीं लगाएंगे जब हेल्पिंग सॉरी मेन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, ठीक है, दैट नहीं लगाएंगे, और डायरेक्ट ये उतारने के बाद तुरंत सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, यू का ही हो जाएगा, और इज एम आर का वॉज वर हो गया गोइंग, ठीक। अगर यहाँ पे यहाँ से शुरू होता आर यू गोइंग, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग का मतलब तुम क्या तुम जा रहे हो, आर माने क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब वेयर लग जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक, वेयर लग जाएगा तो दैट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता आर यू गोइंग हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, इज एम आर वॉज वर डू डज डिट हैज हैड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट एटसेट्रा, इनसे जब शुरू होता हेल्पिंग वर्ब पहला वर्ड होता इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो हम इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही वॉज गोइंग, क्या वो जा रहा था, वेदर ही वॉज गोइंग, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, तो दूसरा सेंटेंस है इसको पैसिव में बदलना है, तो आपको जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन बताना, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं ग्रामर पोर्शन डाल के बी का आंसर, ठीक है। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, तो एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे मी का आई हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी का आई हो जाता है, और ही का लास्ट में जाके हिम बन जाता है, इतनी बात पता होगी ना, ही का हिम बन जाएगा, मी का आई हो गया। तो ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, क्वेश्चन है उसने मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद उसके द्वारा नहीं की गई ऐसे भी कह सकते हैं, या मैं उसके द्वारा मदद नहीं किया गया ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलने में तो जैसे बोलें, लेकिन इसकी इंग्लिश ऐसे ही बनाएंगे कि सॉरी पैसिव ऐसे ही बनाएंगे कि मी का आई लिख दिया, जब भी डिड लगा होगा तो वॉज या वर लगेगा, याद रखिएगा, जब डू लगा होगा तो इज एम आर में से लगता है, इज एम आर नॉट
और जब डिड लगा होगा पैसिव वॉइस में वॉज यवर लगता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे होंगे तो डिड लगा होगा तो हैड नॉट लगेगा, डिड नॉट लगा तो हैड नॉट। लेकिन एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव में करते टाइम वॉज या वर नॉट, ठीक है। तो आई के साथ वॉज लगता है तो आई वॉज नॉट, फिर इसके साथ हेल्प का क्या हो जाता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, हेल्प्ड बाय हिम, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, हेल्प में ईडी लगेगा, क्लियर होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंचुएशन के बिहाव पे, पंचुएशन बेस, पंचुएशन बेस का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें पहला लेटर हमें कैपिटल करना है, तो द टी, यहाँ पर टी कैपिटल हो गया, द टीचर ये ऐसे उतारेंगे, सेट टू द स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट के बाद कॉमा लगेगा, स्टूडेंट्स तक लिखेंगे ऐसे ही, टीचर ने स्टूडेंट्स का, फिर कॉमा लगा नीचे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा, डी जो है क्या कहा टीचर ने, फूल मत तोड़ा ना, तो डी कैपिटल रहेगा, फिर डी कैपिटल रहेगा, पहला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, ये याद रखना है। डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, और फ्लावर मत तोड़ो, डॉट लगा के इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, क्लियर हो गई बात। कैसे करेंगे ये पूरा एडिटिव बतानेंगे, बट डी कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, डॉट लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। कल मैं बाजार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, आई मेट एन ओल्ड मैन इन द वे, ठीक है। वो धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ठीक है। रहा था लगा होगा तो वॉज लगेगा हमेशा, याद रखिए वॉज या वर। उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। आफ्टर सीइंग हिम या आफ्टर लुकिंग एट हिम, आई गॉट मर्सी टू फॉर हिम एंड आई हेल्प्ड हिम, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो इससे रिलेटेड आप को कुछ भी लिख सकते हैं, आई गॉट मर्सी की जगह आपके दिल में उस टाइम दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है। मुझे उसके ऊपर तरस आ गया तो आई बिकेम पिटी फॉर हिम, या कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं, टाइटी मर्सी पिटी कुछ भी, वहाँ पे वर्ड जो याद है उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो ऐसे आता है, ऐसे में आप लोग जो भी सेलेक्ट करिएगा, जैसे मान लिया आपने एनिमल ऐसे सेलेक्ट किया, तो एनिमल से रिलेटेड जो भी जानकारी है, एनिमल्स आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ गॉड, है ना, ऑन अर्थ देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स क्रिएटेड बाय गॉड ऑन अर्थ, दुनिया में कौन कौन से एनिमल है, सारे नाम लिख दिया। अब फिर बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स बहुत तरह की होती हैं, कोयल, कुक्कू, है ना, स्पैरो, और हमिंग बर्ड एक ऐसी बर्ड है जिसके एक सेकेंड में 1000 बार पर हिलाती है ना, और ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, इस तरह से सारी चीज़ें लिख दी। मतलब दुनिया भर की जो भी जानकारी आपको अब तक की है वो आप ऐसे में फिट कर दिए, क्लियर हो गई बस, किस तरह से करना है। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन में इफेक्ट कोशिश करिएगा एप्लीकेशन करने की, बाकी आपको अगर लेटर आता है तो अच्छी बात है। फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, देखिए एप्लीकेशन लिखने में फॉर्मेट का ध्यान रखना है, जैसे प्रिंसिपल को लिखनी है तो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखिए यहाँ लिखी होती है PAL, यही लिखिएगा, PLE ना लिखिएगा। लास्ट में अगर आप योर्स लिखते हैं तो योर्स का वाई कैपिटल लिखिएगा, OUR, और कॉमा ना लगाइएगा, अपोस्ट्रोफियस नहीं, योर्स, अपोस्ट्रोफियस जो होता है वो गलत लगाते हैं लोग, योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, OBEDIENTLY, ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे, क्लियर है।